दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 5। मैं हूं आपके साथ इरफान सैयद। आज बताना चाहता हूं एक नए फ्रॉड के बारे में जो मार्केट में आया है। मैं आपको बता रहा हूँगा कि क्या होता है इसमें, इस फ्रॉड में नए तरीके के। देखिए, एक कंज्यूमर कंप्लेंट कोर्ट का वेबसाइट है, इस पर कंप्लेनेंट है भरत कुमार। उन्होंने कंप्लेन किया है 23 अगस्त 2023 को, और इन्होंने इसमें बताया है किसके खिलाफ़ कंप्लेंट की है। तौरस डिजिटल एजेंसी इंडिया, कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट साइबर क्राइम, और फिर इन्होंने बताया है कि इनके साथ क्या हुआ। ये कहते हैं कि इस नंबर से व्हाट्सएप के इन्हें एक मैसेज आया, एक लड़की खूबसूरत का डीपी था उस पर, और उसमें लिखा गया कि हे, डू यू हैव टाइम नाउ, क्या आपके पास वक्त है अभी। इन्होंने कहा, कौन हैं आप? तो सामने से जवाब आया कि मैं आलिया हूँ और मैं एचआर ऑफिसर हूँ तौरस डिजिटल एजेंसी इंडिया से। हमारी कंपनी लोगों को हायर करती है पार्ट टाइम जॉब के लिए, और आप उसमें 2000 से 2700 रुपये डेली कमा सकते हैं, क्या आपको इसमें इंटरेस्ट है? तो जो भरत कुमार जी हैं, इन्होंने कहा कि अब मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, मैं इसमें देखूंगा क्या होता है। तो फिर सामने से मैसेज में लिख कर के आया कि हम होटल और रेस्टोरेंट्स को हेल्प करते हैं विजिबिलिटी के लिए, गूगल में उनका रेटिंग बढ़ाने के लिए उनके हेल्प करते हैं, और वहाँ से हम पैसे अर्न करते हैं। आप इसमें 150 रुपये हम आपको इमीडिएटली देंगे पहले टास्क कंप्लीट होने के बाद। देखिए, ये इस तरह का से मैसेज आया इनका, और उसने सामने से पूछा कि इसमें रिक्वायरमेंट है आप गूगल और टेलीग्राम ये दो यूज़ करते होने चाहिए। देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने पैसे मांगे भरत कुमार जी से कि आप ये टास्क पूरे करने से पहले कुछ अमाउंट डालिए। और इसी तरह से सिर्फ भरत कुमार जी नहीं, लेकिन 2-3 और लोग हैं जिन्हें इस जो ठगी के ज़रिए ठगा गया है, जिनके नाम हैं अर्शित, जिन्हें 2 जुलाई 2023 को ठगा गया, नेहा, जिसे 20 अगस्त को ठगा गया, और दूसरे भरत कुमार हैं जिन्हें 23 तारीख को ठगा गया इस फ्रॉड के ज़रिए। देखिए, ये लोग क्या करते हैं, आपको एक तो मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पर, और उसमें फिर आपको कहते हैं कि आपको अगर ऑनलाइन वर्क करना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आज ये व्हाट्सएप मैसेज मेरे फ़ोन नंबर पर भी आया है, और मैंने फ़ौरन ही उसे रिपोर्ट किया और ब्लॉक किया, लेकिन मैंने चाहा कि मैं न्यूज़ 5 के जो व्यूवर्स हैं उनके साथ ये बात शेयर करूँ, उन्हें बताऊँ कि अगर ऐसा कोई मैसेज आपको आता है तो समझिए वो फेक है। कंज्यूमर कंप्लेंट कोर्ट में ऑलरेडी साइबर क्राइम की उस पर जो FIR दाखिल हो चुकी है, और लोगों को इसमें ठगा जा चुका है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, न्यूज़ 5 देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।